जन्म कुंडली विश्लेषण। एक जमाना था जब शर्म हया, सीधापन, संस्कार ये सारे शब्द हम रोजाना सुनते भी थे और खुद भी बोलते थे, और आज ऐसा लगता है कि ये सारे शब्द एंटीक हो चुके हैं। जब कभी लड़कियों की शादी की बात घर में चलती थी तो लड़कियां शर्मा जाती थी, लेकिन आज ऐसा देखने को शहरों में तो एटलीस्ट नहीं मिलता है। लेकिन शर्म न करें कोई बात नहीं, परंतु बेशर्म हो जाना यह बहुत गलत बात है। एक परिवार जिनकी आज मैं बात करने जा रहा हूं, उनके घर में जब बेटी ने जन्म लिया तो सब ने कहा लक्ष्मी आई है। माता पिता ने हर वो खुशी बेटी को देने की कोशिश की जो वो दे सकते थे, जिसमें डांस, म्यूजिक, सजना संवरना, ये पढ़ाई लिखाई भी बड़ी अच्छी करती थी। और आज ये 15 साल और 8 महीने की बच्ची है। आज से तकरीबन 1.25 साल पहले कॉलोनी में ही रहने वाले एक लड़के से इन्फैचुएशन, क्रश, प्यार, इश्क, मोहब्बत, इस उम्र में जो अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो जब वो खेलने के बहाने से शाम को जाती थी तो वो लड़के से मिलना जुलना चलता था। माता पिता को पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उस बच्ची की हरकतें, बॉडी लैंग्वेज, इनसे उसको पता लगने लगा कि यह माजरा कुछ और है। माता पिता ने उस बच्ची को समझाया, ना डांटा, ना पीटा, ना कोई और कुछ सख्ती दिखाई। उसे समझाया कि बेटी, अगर वो लड़का तुम्हारे लायक है और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है तो वक्त आने पर हम तुम्हारी शादी भी उस बच्चे से कर देंगे। ये लड़की जो बड़े अच्छी स्कूल में पढ़ती है, हम सब हजारों लाखों रुपए देकर बच्चों को पढ़ाते हैं, और बदले में बच्चे अगर ये कहें कि आपने मेरे लिए किया ही किया है, सोचिए वो माँ बाप कितना रोएंगे, कितना दुखी होंगे। ये बच्चों को आजकल के स्कूल में सिखाया जाता है, यानी बैठ कर नहीं सिखाया जाता है, लेकिन संस्कार, माता पिता के साथ कैसे पेश आना है, कैसे बड़े बुजुर्गों के साथ पेश आना है, ये शायद आजकल के स्कूल में नहीं बताया जाता है। यह उम्र बच्चे को ना प्यार करने की, ना शादी की बात करने की, यह उम्र बचपन को एंजॉय करने की और साथ में पढ़ाई करने की और करियर बनाने की है। अब यह बिल्कुल चीज़ जो है मन से हट गई है। ये बच्ची धीरे धीरे पढ़ाई कर रही है। बच्ची क्लास में 92% कभी कोई ज़माने में लाया करती थी, आज से 3 साल पहले सब तारीफ करते थे, अचानक ऐसा यूटर्न। इतनी अच्छी बच्ची जो पढ़ाई लिखाई करती थी, लोग इसकी मिसाल दिया करते थे, और आज लोग कहते हैं इससे दूर रहना। माता पिता के नीचे से जैसे ज़मीन खिसकने के बराबर था। अब आगे इस बच्ची का क्या होगा, और इन्हीं पर आधारित है आज का मेरा कुंडली विश्लेषण। इस कार्यक्रम से बने रहिएगा, हो सकता है कि आपके घर में, आस पड़ोस में, या फिर आपके परिवार में किसी और के साथ भी ऐसी स्थिति हो जाए। तो आइए एक नज़र 15 साल और 8 महीने की बच्ची की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं क्या है इसके ग्रहों का खेल। इस वक्त आप टेलीविजन की स्क्रीन पर जो ये 4 नंबर की कुंडली देख रहे हैं, इसे हम कर्क लग्न की कुंडली कहते हैं, और यहाँ लग्नेश बनते हैं चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है, जो थोड़ा सा इमोशनल, सेंटिमेंटल भाव के संग इंसान बनाता है। लग्नेश चंद्रमा 10th हाउस, और वो भी उच्च के सूर्य के साथ। सूर्य उच्च के हो तो इंसान को कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा देता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही साथ में होने से इसे हम अमावस के दोष के रूप में मानते हैं। अमावस के दिन ऐसे लोग पैदा होते हैं या फिर एक दिन आगे पीछे पैदा हुआ माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन ही एक राशि में रहते हैं। अमावस का मतलब है, उसे समझना जरूरी है, कि सूरज जिसमें गर्मी है आग है, और चंद्रमा जिसमें ठंडक है जल तत्व प्रदान है। अब देखिए कि सूर्य रोशनी देता है, उजाला देता है, और चंद्रमा शीतलता और ठंडक देता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आग लग रही है, मैंने इसमें पानी डाल दिया, लेकिन आग तो बुझ गई पर पानी का क्या हुआ, पानी भाप बन के उड़ गया। तो ऐसे लोगों की जिंदगी में अस्थिरता ज़्यादा रहती है, ये अमावस का दोष इसी प्रकार से परेशान करता है। उच्च के सूर्य के कारण अगर एजुकेशन में ध्यान दिया जाए तो ऐसे बच्चे कभी भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो पाते हैं, यानी आत्मविश्वास को अगर आपने मजबूत कर दिया, जो कि चंद्रमा इसका होने नहीं देगा, लेकिन हमें संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सूर्य को पावर दी जाए तो चंद्रमा के लिए शांति के अगर उपाय किए जाएं तो जीवन में काफ़ी हद तक हम अपने उद्देश्यों को समझ के उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आज ये लड़की ऑब्जेक्ट लेस लड़की है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको क्या पढ़ाई करनी है, इसको इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल की पढ़ाई करनी है, इसको फैशन डिजाइनिंग करनी है, या इसे उस प्यार, इश्क और मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार देनी है। ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई उद्देश्य लाइफ का नहीं है, बस इस यात्रा में बहते बहते एक स्पीड ब्रेकर आया जिसमें कोई हमें मिल गया, जिसके साथ हम कुछ वक्त गुजार चुके थे, उससे सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। मतलब एक इंसान को ऑब्जेक्ट अपना तलाश करना जरूरी है कि मुझे किसके सहारे जिंदगी जीनी है। एक महिला जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, वो अपने बेटा या बेटी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती है।
कुछ लोगों को लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स के सहारे जिंदगी गुजारनी है, कोई आर्किटेक्ट बनना चाहता है, कोई म्यूजिक में जाना चाहता है। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य लाइफ का होना बहुत जरूरी है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बस ये उम्र ऐसी है जिसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, और ये 15-16 साल की उम्र ही कुछ ऐसी होती है। ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन वाली उम्र होती है, इसमें अगर बच्चे संभल जाए तो आगे भी संभले हुए रहते हैं, और इसमें बिगड़ जाए तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। खैर, यहाँ पर शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग 10th हाउस में है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी की पढ़ाई करे, यानी BBA करके MBA करे, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करे, या फिर कॉमर्स की पढ़ाई करे, बाद में मैनेजमेंट की पढ़ाई करे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर जिसमें बुध पराक्रमेश है 3rd हाउस और साथ में शुक्र लाभेश है प्रॉफिट हाउस, वो दोनों ही 10th हाउस में है, तो ऐसे लोगों को मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। तो जो मैंने पढ़ाई बताई उस पढ़ाई में अगर ये आगे बढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा, और सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब और एडमिन सर्विसेज के लिए। इनके पिता बिजनेस करते हैं, तो बाद में ये अपने पिता के बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि पिता के घर में ही सारे अच्छे राजयोग बन रहे हैं, इसके पास सारे ऑप्शन खुले हैं। अब समस्या ये है कि 4th हाउस होता है हमारे फ्रेंड्स का, और शुक्र इसके कारक माने जाते हैं। प्यार, इश्क और मोहब्बत करना कुंडली में कोई शुक्र से सीखे, और वो शुक्र 4th हाउस पर इनकी दृष्टि है शुक्र की। लेकिन शुक्र और चंद्रमा दोनों की युति, शुक्र सूर्य की युति, ये सब बनकर 4th हाउस को देख रहे, जो इंसान को 100% भटकाने का काम करते हैं, बड़ा वीक पॉइंट है। अब देखिए 26 जनवरी 2017 को समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। 26 जनवरी 2017 को इस बच्ची को, जिसकी मेष राशि है, इसे शनि की ढैया जो है खत्म हुई, उससे पहले यानी 2.5 साल पहले इस बच्ची को ढैया शुरू हुई थी। अब ये क्या करें, आज से 1.25 साल पहले इस बच्ची का ये योग शुरू हुआ था, यानी ढैया जब चल रही थी उसी समय ये इनका रिलेशनशिप शुरू हो गया। तो शनि की ढैया ने जाते जाते इस बच्ची को नुकसान देने का काम किया, मतलब इस बच्ची का दिमाग मन दोनों ही खराब किए। तो इसके लिए शनि की पोजीशन को जानना जरूरी है कुंडली में। आइए चलते हैं 8th हाउस की तरफ, जहां पर 11 नंबर लिखे हुए हैं। ये 8th हाउस होता है जो कि हमारे कॉमन सेंस का होता है। 7th हाउस ऑपोजिट सेक्स का होता है, यानी लड़की है तो लड़के का घर हुआ। इन दोनों के घर के लॉर्ड शनि बनते हैं, जो 11th हाउस में राहु के साथ श्रापित दोष बना रहे हैं, और साथ में मंगल विराजमान होकर अंगारक दोष भी बन रहा है। ये बड़ा वीक पॉइंट है, जिस वजह से बुद्धि को खराब करना और गलत ट्रैक पे चले जाना। आप माता पिता बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इस बच्ची को प्यार से समझाने की कोशिश की, क्योंकि अंगारक दोष गुस्सा दिलवाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव करवाता है, ऐसे लोग इंपेशेंट होकर सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है। पढ़ाई के घर में केतु बैठे हैं पंचम स्थान में, हो सकता है पढ़ाई में इस बार ब्रेक भी लग जाए और ये फेल भी हो जाए, जिसके ज्यादा चांसेस हैं, और पढ़ाई के घर पर ही श्रापित दोष और अंगारक दोष की दृष्टि है। शिक्षा के कारक देवताओं के गुरु बृहस्पति का नाश भाव में चले जाना है। 12th हाउस में जहाँ 3 नंबर लिखे हैं, वो भी शत्रु राशि का, बड़ा वीक पॉइंट है। हालांकि वो 8th हाउस पर उसकी दृष्टि है, यानी 3 से लेकर 11 की तरफ एक एरो जा रहा है। ऐसे लोगों को, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जिस वजह से कॉमन सेंस को ठीक किया जा सकता है, कुछ हद तक उपाय करके इसे ठीक किया जा सकता है। दशा इस बच्ची पर चल रही है मंगल की। ये मंगल की दशा 17 अक्टूबर 2016 से शुरू हुई, तो इसका अर्थ हुआ कि ये 1.25 साल जो कि चल रहा है ये सारी फ्रेंडशिप, इससे इसमें मंगल भी इन्वॉल्व है और शनि की ढैया भी चल रही है। मंगल की दशा जो 2023 तक रहेगी, और जैसा मैंने कहा कि राहु मंगल का अंगारक दोष है, उस वजह से तकलीफ आना है। माता पिता 6 से 9 साल की उम्र में इस बच्चे के दोष का उपाय कर लेते तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन हम लोग सब अपने अपने बच्चों की कुंडलियाँ तब दिखाते हैं जब आपको प्रॉब्लम आ चुकी होती है। प्रॉब्लम आने पर तो सभी लोग मंदिर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से ही बचाव कर लें तो काफी तक ठीक हो सकता है। अब एक नजर नवमांश कुंडली पर देखते हैं, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। ये देखिए 12 नंबर की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली। शिक्षा भाव पंचम स्थान पाप कर्तृ दोष में है, यानी जहां 4 नंबर लिखे हैं उसके पीछे शनि और आगे राहु विराजमान है, ये पढ़ाई को डिस्टर्ब करने का काम करेगा। दूसरा गुरु और केतु का चांडाल दोष है, वो भी 12th हाउस में बना हुआ है, जो पढ़ाई के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। शुक्र वृश्चिक राशि में भाग्य स्थान में है, वीक पॉइंट। शनि 4th हाउस में जो फ्रेंड्स का घर होता है उस पर चंद्रमा की दृष्टि है, और साथ में शनि और चंद्रमा का जो दृष्टि संबंध है 3 और 9, ये इंसान के मन मस्तिष्क को डिस्टर्ब कर देते हैं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि इस बच्ची ने बचपन में ही ये काम कर लिया, अब इसे समझा दिया है, हम कुछ उपाय करेंगे ताकि इसको ठीक किया जा सके। इस कुंडली के अंदर 100% इंटेलिजेंस, IQ EQ लेवल बहुत अच्छा है इस बच्ची का।
आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे ने कोई गुनाह किया है, इसने प्यार किया है, इसे नहीं पता है कि जिंदगी में अच्छा क्या और बुरा क्या है। और प्यार की कोई उम्र नहीं होती, 60 साल का इंसान भी प्यार कर सकता है। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया, इसे समझाने की कोशिश की, निश्चित रूप से इस बच्ची को हम सही ढंग से उपाय करके एक अच्छे ट्रैक पर पहुंचा देंगे और इसको ऑब्जेक्ट देंगे। इसके लिए आप मेरे पास भेजिए और गुरु दीक्षा देते हैं इस बच्ची को। साथ में इसके ट्रैक पर भेजने के लिए मुझे इसके साथ काउंसलिंग करनी होगी और फिर इस बच्ची को प्यार मोहब्बत से हम समझाकर एक अच्छे ट्रैक पर भेज देंगे। जो मैंने सब्जेक्ट बताए वही पढ़ाई करनी है। अगले 1.5 साल इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो सकता है फेल भी हो जाए। 3 अप्रैल, अब मंगल की दशा 3 अप्रैल 2018 तक राहु का अंतर है, इस पर आपको थोड़ा सा स्पेशली अगले 3-4 महीने ढंग से निकालने हैं। कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जिनका सहारा लेकर आप काफी हद तक इस बच्ची की पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। एक सस्ती विधि होती है जो अंगारक दोष के लिए और श्रापित दोष के लिए हमें तत्काल करवानी है। विद्यादात्री सरस्वती साधना करवाएं, सिद्ध बीसा यंत्र के साथ गुरु शक्ति कवच के साथ 5.25 रति का मोती मूंगा और पुखरा जड़ित पेंडल गले में धारण करवाएं। कपड़े जूते चप्पल जो भी ये नहीं पहनती है वो शनिवार को बच्ची के हाथ से दान करवाएं। बच्ची के हाथ से न कर पाए तो माता पिता अपने हाथ से दे सकते हैं। रोज शाम को रसोई घर में जहाँ जल स्थान है वहां पर तेल का दीपक माताजी जलाएंगी तो अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि शक्कर तिल तेल आटा और खोपरे का पाउडर मिक्स करके जिसे हम कीड़ी नगरा चींटियों को रोज शाम को देते हैं वो जरूर इस बच्ची के हाथ से दिलवाइए। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, इस बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा प्यार इश्क और मोहब्बत का इसको नॉलेज नहीं था, इस पर ही भटक गई थी। हम इसे वापस ठीक कर देंगे और जब इसकी उम्र आएगी तब ये ज़रूर ये सारे काम करे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आज के लिए इतना ही, ये था इनकी कुंडली का विश्लेषण। मनुष्य के जन्म के साथ उसके भाग्य की रचना हो जाती है जिसमें उसके जीवन में घटित होने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाओं को ईश्वर ने तय कर रखा होता है। आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अनुसंधान कर भविष्य के गर्भ में देखने की शक्ति प्राप्त की और इस प्रकार विश्व को मिला ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान जो 9 ग्रह 27 नक्षत्र 12 राशि और कुंडली के 12 भावों पर आधारित होता है। इस आधार पर यह हमें भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से कुंडली बनवाकर और कुंडली का परीक्षण करवाकर कितने ही लोगों ने अपने दामन को खुशियों से भर लिया। गुरुदेव कहते हैं कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता, पर भाग्य को संवारा और सुधारा जा सकता है। दुख कटे आए जीवन में खुशहाली, जब कृपा करे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल जन्म कुंडली आपके भविष्य का आईना है, ये बतलाती है कब और किस दिशा में होगा आपका भाग्योदय, आपका लकी नंबर, क्या आप मांगलिक हैं, आपका लकी कलर, आपका वाहन सुख, आपके लिए भाग्यशाली रत्न, आपके भाग्योदय कारक इष्ट देव, आपके जीवन की घटनाओं और दुर्घटनाओं की जानकारी, आपके विवाह योग या फिर कैसा होगा आपका दाम्पत्य जीवन, आपके स्वयं के मकान का सपना कब होगा साकार, यदि आप विद्यार्थी हैं तो कौन सा विषय चुनें, कौन सी राशि आपकी मित्र राशि है, किस राशि से आपको हानि हो सकती है, आपको कैसा रोजगार या व्यापार अधिक फलेगा, क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है या फिर आपको राजयोग है। गुरुदेव श्री सुरेश श्रीमाली जी के मार्गदर्शन में बनी इस जन्म कुंडली को जल्द ही मंगवाइए और अपने भविष्य को संवारिए, ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों ने अपना जीवन संवारा है। सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान उच्च शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ठ जीवन यापन करे। अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने तरीके से बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षा दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन नवग्रह एवं 12 राशियों पर आधारित है। शनि ऐसा क्रूर ग्रह है जो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में अकारण बाधा एवं परेशानी पैदा करता है। यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में है तो अनेक प्रकार के विलंबन उत्पन्न करता है, आत्मविश्वास में कमी, स्मरण शक्ति की कमी,
एकाग्र चित्त की कमी, पढ़ाई में मन नहीं लगना, सब कुछ आते हुए भी परीक्षा स्थल पर भूल जाना, या फिर भरपूर मेहनत के उपरांत भी यथेष्ट फल की प्राप्ति न हो पाना, यह सारी स्थितियाँ यदि आपके बच्चे में भी नजर आती हैं, तो घबराएं नहीं, शीघ्र ही मंगवाए गुरुदेव द्वारा विशेष रूप से अभिमंत्रित संपूर्ण विद्या प्रदायक किट, जिसमें आप पाएंगे विद्यादायक सरस्वती यंत्र, अभिमंत्रित सरस्वती रुद्राक्ष, विद्या प्रदायक पोटली, सरस्वती उपासना पुस्तक। संपर्क करें गुरुदेव सुरेश श्रीमाली, 19-20A हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। फोन नंबर 02915190000 और 9829026625 और 93147-49222।